मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसा है। सीएम साय ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, उसका कितना असर हुआ ये आप लोगों ने देखा है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले उन सभी के साथ न्याय हो जाए। पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि चुनाव के दौरान वादा किया था कि मामले की जांच होगी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, उस पर एफआईआर हुई है। जो जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, कल शाम को दिल्ली गए थे, अभी लौट रहे हैं और दिल्ली में हमारे देश के गृहमंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से मुलाकात किए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात किए और मुख्यमंत्री के नाते मुलाकात करते रहते हैं और अपने प्रदेश में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए जो काम करते हैं उसको बताते रहते हैं। सर, चुनाव के संबंध में कोई बातचीत है? चुनाव के संबंध में तो बातचीत यहाँ होगी, नितिन भाई साहब भी आ रहे हैं, माथुर जी पहले से आ रखे हैं और चुनाव की तैयारी तेजी से हम लोग। हाँ बिल्कुल होगा, वो तो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वादा किए थे कि हमारे बच्चों के साथ जो पीएससी में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होगी और सीबीआई को सौंपे हैं, उसमें एफआईआर भी हुआ है और जो भी दोषीदार हैं वो कोई बचेंगे नहीं। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों को, आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं, अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ न्याय हो जाए।